हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नवीन पांचाल। दोस्तों, एनके पांचाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इन दोनों को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज को जानना पड़ेगा, वो है ग्रहण का कॉन्सेप्ट कि एक्लिप्स होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सूरज ही इकलौता सोर्स है नेचुरल लाइट का। सूरज ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें प्राकृतिक लाइट प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, किसी भी पॉइंट पर अगर सूरज की रोशनी आनी बंद हो जाती है किसी भी कारणवश, या फिर कहने का मतलब कि सूरज से आने वाले रोशनी को अगर ब्लॉकेज हो जाता है किसी भी वजह से, रुक जाती है, तो इस चीज, इस कंडीशन को एक्लिप्स बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों, सोलर एक्लिप्स हमेशा अमावस्या वाले दिन होता है, हमेशा न्यू मून डे वाले दिन होता है। सोलर एक्लिप्स जब होता है तो कंडीशन क्या होती है, जो चंद्रमा होता है वो सूरज और धरती के बीच में आ जाता है। तो चांद, क्योंकि सूरज और धरती के बीच में आ गया, तो चांद ने सूरज से आने वाली रोशनी को कवर कर लिया है और वो रोशनी अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही, और चांद के बीच में आने की वजह से हमें सूरज दिखना बंद हो जाता है, और इस कंडीशन को हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, तो सूरज, चांद और पृथ्वी दोनों तीनों एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों, सूरज से आने वाली लाइट है जो, उसको मून ने कवर कर लिया है, तो मून के जो अदर साइड जो एरिया है वो डार्क है, तो पृथ्वी के किसी फिक्स हिस्से से हम सूरज नहीं देख पाएंगे, तो उस जगह सूर्य ग्रहण लगा होगा। अब आइए दोस्तों, चलते हैं चंद्र ग्रहण पर, लूनर एक्लिप्स पर। तो दोस्तों, लूनर एक्लिप्स हमेशा पूर्णिमा वाले दिन होता है, फुल मून डे वाले दिन होता है। और ये लूनर एक्लिप्स जब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चांद जो है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो जो सूरज से लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से हमें वो व्हाइट नजर आता है और उसकी रोशनी नजर आती है। तो दोस्तों, जब सूरज से आने वाली लाइट के रास्ते के बीच में पृथ्वी आ गई है, धरती आ गई है, तो लाइट चांद तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए हमें चांद बिल्कुल डार्क दिखाई देता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों, बिल्कुल सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण दिन वाले दिन भी सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों, सूरज से आने वाली लाइट के रास्ते में पृथ्वी आ गई है, और जो मून है बिल्कुल डार्क एरिया के अंदर है, तो मून हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मून के पास सूरज की लाइट जाएगी नहीं, वो तो रिफ्लेक्ट किसे करेगा, बिल्कुल डार्क दिखाई देगा। तो इस कंडीशन को हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं, सॉरी, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरे चैनल एन के पांचाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।